सेंधवा आशा कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। गुरुवार को सभी आशा कार्यकर्ता व आशा सहयोगियों ने सेंधवा सिविल अस्पताल में करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व पेड़ पर चढ़ गई और शिवराज तेरे राज में आशा चढ़ गई झाड़ पे जैसे नारे लगाए। साथ ही पेड़ से एक ही फंदा बनाकर 3 आशा कार्यकर्ता व सहयोगी ने गले में फांसी का फंदा लगाकर प्रदर्शन किया। 2 घंटे धरना प्रदर्शन करने के बाद सभी रैली के रूप में किला परिसर स्थित SDM कार्यालय पहुंची, जहां SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक कार्यालय पर विधायक ग्यारसीलाल रावत को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल का समर्थन करने व सरकार बनने पर नियमित करने सहित वेतन बढ़ाने की मांग की गई। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विधायक ग्यारसीलाल रावत ने ज्ञापन लेकर समस्या सुनकर कहा कि वह पूर्ण रूप से साथ है, साथ ही उनकी मांगों को कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व CM कमलनाथ को अवगत कराकर कांग्रेस के वचन पत्र में लेंगे और सरकार बनने पर आशा कार्यकर्ता व आशा सहयोगी को नियमित करेंगे, साथ ही मांग अनुसार वेतन दिया जाएगा। 37वें दिन से हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन जारी है। हमारी मुख्य मांगे है कि हमें नियमितकरण किया जाए। आशा बहनों को 10,000 रुपये और सहयोगी बहनों को 15,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में दिया जाए, यही हमारी मांगे। अगर पूरी नहीं होती है तो हमारा आंदोलन जारी रखेंगे और अगला हमारी रणनीति है कि हम अभी प्रदेशव्यापी पे जाके हम प्रदेश स्तरीय हड़ताल करेंगे। ये लोगों ने जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस कमेटी का जो हमारा अध्यक्ष है माननीय कमलनाथ जी और वचन पत्र बनाने वाले हमारे जो राजेंद्र सिंह जी है, उनको ये पत्र में अभी लिखने के लिए बोल दिया। गाड़ी अभी बने ही रहा है, तत्काल में भेज भी रहा हूँ मैं, और इसको वचन पत्र में शामिल करने के लिए हम लिख रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को भी नियमित किया जाए और उनकी मांग अनुसार उनको वेतन दिया जाए, इसलिए पत्र लिख रहा हूँ।